बड़ी खबर है, वोवचांस्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य काफिले को यहां पर निशाना बनाया है। रूस ने भीषण अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवान भी घायल हुए हैं। ये रूसी हमले की तस्वीरें आपके सामने। और रूस का यूक्रेन को बड़ा जवाब। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले हो रहे हैं। खार्किव में एफपीवी ड्रोन से किया गया अटैक, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और इधर पोक्रोव्स्क की तरफ तेजी से बढ़ रहा है रूस। बड़ी जानकारी आपके सामने। यहां पर इसके करीबी शहर पर रूस की ओर से कब्जा कर लिया गया है। नोवोरोजिव्का शहर पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। बता दें, नोवोरोजिव्का शहर पर हमारा कब्जा हो गया है। ये जानकारी रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई है। यूक्रेन का बयान, नोवोरोजिव्का में युद्ध जारी है। तो अब पोक्रोव्स्क को लेकर इरादे क्या है? रूस का मिशन पोक्रोव्स्क। पोक्रोव्स्क पर कब्जे के लिए रूस आगे बढ़ रहा है। पोक्रोव्स्क के पास नोवोरोजिव्का पर कब्जा हो गया है। रणनीतिक तरीके से रूस यहां पर आगे बढ़ रहा है। रूस से नोवोरोजिव्का बेहद महत्वपूर्ण रूस के लिए माना जाता है। यूक्रेन का बड़ा रसद सेंटर है नोवोरोजिव्का। नोवोरोजिव्का से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर यह पोक्रोव्स्क मौजूद है। पोक्रोव्स्क के पास चार अन्य बस्तियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। अगर पोक्रोव्स्क पर कब्जा किया जाता है, पूरी तरह से यहां पर कब्जा हो जाता है रूस का, तो यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। तिवारी साहब, एक तो हम बड़ी बात यह देख रहे हैं कि ड्रोन वॉरफेयर ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। रूस में भी कौन सा शहर सुरक्षित बचा है यह कहा नहीं जा सकता। कहीं पर भी हमले हो सकते हैं, ये साफ तौर पर नजर आता है। और रूस की ये स्ट्रेटेजी पोक्रोव्स्क को लेकर कैसे दोनों चीजों को मिलाकर देख रहे हैं आप? देखिए, सचदेवा साहब बीच में बता रहे थे ना, उस पॉइंट को मैं दोबारा लाना चाहूंगा कि जो अभी डिस्कशन वहां शुरू होने वाला है अमेरिका में जी, उसके माध्यम से मतलब कहना चाहते हैं कि एक्टिव है। लेकिन देखिए, ये जो ड्रोन का है, ड्रोन नंबर में खूब आते हैं, लेकिन ड्रोन जो डैमेज करता है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मिजाइल्स जो कीव में और यूक्रेन की फोर्सेज में जो रशिया भेज रही है। तो ये जो ड्रोन है, ड्रोन खूब सारे लॉन्च होंगे। ये उनका मेन उद्देश्य यही है कि रशिया की जो एयर डिफेंस है कमज़ोर कर दें। लेकिन रशिया को भी केयरफुल होना पड़ेगा कि अपने एयर डिफेंस न बर्बाद करें इन सस्ते ड्रोनों के अपेक्षा, इन सस्ते ड्रोनों को डिस्ट्रॉय करने में। बिकॉज ये ड्रोन नंबर में आएंगे, जहाँ भी डिस्ट्रॉय करेंगे हल्ला मचेगा, लोगों में डर पैदा जरूर होगा, लेकिन डैमेज बहुत कम होगा। लेकिन इनका जो मेन जो उद्देश्य था, जेलेंस्की का कहो या नाटो का जो मेन उद्देश्य था, जिसकी वजह से यूक्रेनियन फोर्सेज रूस आगे बढ़ी थी, ताकि यह रशिया अपने आप को थोड़ा विड्रॉ कर सके, लेकिन उस मकसद में ये सक्सेसफुल नहीं हुए। इसलिए रशिया अभी भी यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही है और जो मेन जो सेंटर है, जहाँ सप्लाई सेंटर है, उसके ऊपर पहुँचने ही वाली है। और जो इनका रूस में जो उनके 10,000 जो सोल्जर गए थे, उनको रशिया ने अपने रिजर्व फोर्सेस से इनको काउंटर कर लिया। तो ये वॉर तो लंबी खींचती जा रही है, लेकिन जो इनका मेन मकसद था रशिया को रोकने के लिए, रशिया को पेस को कम करने के लिए, इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो ये तरीका चलता रहेगा। और इनके ड्रोन, जब तक ये ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, आपने 2-3 दिन पहले कवर किया था कि एक ड्रोन मेकिंग फैक्ट्री को रशिया ने डिस्ट्रॉय किया था, जब तक रशिया इनके सारे ड्रोन मेकिंग कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, या जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, जब तक नाटो फंड करना नहीं बंद करेगा, तब तक इस तरह के अटैक चलते रहेंगे। इस अटैक से रशिया में डिस्टर्बेंस जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई डैमेज नहीं होगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी कि रशियन आर्मी और रशियन एयरफोर्स इसको पार पलटवार की तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन मनीष, बातचीत को लेकर कोई भी उम्मीद अब आपको नजर आ रही है इन दोनों देशों के बीच होगी? क्योंकि जिस तरीके से एक सिविलियन की मौत हो गई है और हमले लगातार जारी है, 10 दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला मॉस्को के अलग अलग शहरों पर यूक्रेन की ओर से किया गया है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, कल जब रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने यह कहा था कि रूस बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि बातचीत की कोई उम्मीद तो दिखाई दे। वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन प्रवक्ता पेशकोव ने कहा कि अभी जो हालात हैं इस युद्ध में, उसे देखकर तो लग नहीं रहा है कि कहीं कोई बातचीत करने से कुछ फायदा होगा। कुल मिलाकर यह है कि रूस का मानना यह है कि हम बातचीत करेंगे तो किससे करेंगे, क्या यूक्रेन फैसला ले सकता है, नहीं ले सकता है।
और जो फैसला लेने वाले लोग हैं वो तो अभी इलेक्शन में पहले इसी बात पर फैसला ले रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और फिर अगला राष्ट्रपति जो बनेगा वो फैसला लेगा। तो मुझे लगता है कि नवंबर तक तो इस युद्ध के रुकने की कोई उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नवंबर के बाद अगर ट्रंप जीत कर आते हैं तो फिर तय होगा, अगर कमला हैरिस बनी रहती हैं तो फिर ये युद्ध बनता रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें आज की तारीख में, तो जेलेंस्की इसी कोशिश में लगे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हासिल किया जाए। कितना वो कामयाब होते हैं उसके लिए सिंपल सी बात है, हम अगर मान लीजिए मैं इस किसी सुमो पहलवान से रिंग में उतर जाऊं और मुझे पता है कि वो मुझे मार देगा, लेकिन तब भी मैं दो चार पंच तो उसके पेट में मार ही सकता हूं। बस यूक्रेन की फिलहाल ड्रोन वॉरफेयर जो है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।